किसान भरा एक गल ते जरूर ना रहन भी असी फसल ही कल्ली पालनी आ, दुध दी गल है। दुध दी चाहे रेट नूं घट आखे वध आखे दुध लोकां दा बिकदा है, जो नकली दुध ही इन्ना बिकी जांदा जे असली दुध होऊगा साडा तां बिकू बिकूगा। 5 किल्यां वाला जिमीदार है, वह 2-3 मझां गावां रखदा, पट्ठे तां उहने उसे चों ही पाउणे आ, तो वह कोई 300-400-500 रुपये की आमदन रोज़ घरे जोड़न लग गया, तो 10-12 हज़ार रुपया घरे आउंदा ते निक्के खर्चे साढ़े निकलते जाण। दूजी रही 6 महीनों की फसल, उहदे नाल असीं थोड़ा मोटा घर का कारोबार, कोई किसी किश्त लाउणी कोई इहो जिहा, उहदे नाल पूरिया जाण। जंगल वल चल पीए, जंगलात ला लीए, लक्कड़ होवे, लक्कड़ की 5वें 7वें साल जो असीं 1 किले चो 10-12 लख रुपये की वेच लाँगे। जिहड़े छोटे सी जिमीदार ने 10-12 लख रुपये की कदे बेचारे ने पहुँच सोची नहीं, उन्होंने एक दिन आजूगा कि धी पुत का विआह करना है, कोई वड्डी फीस भरनी है, कोई घर दे दो कमरे कोठे पाउणे आ, तो उहदे लई उह सहायक हो सकदा। पर थोड़ा जिहा सानू अपनी व्यौतबंदी जरूर करनी पऊगी, जिहदे नाल असीं अपना जीवन वधिया कर सकांगे। किसानी मंदहाली विच आ, इहदे विच कोई शक नहीं, इसलिए इहदी लोड़ आ कि खेती नीति बनाई जाए जिहदे नाल असीं इस मंदहाली विचों निकल सकीए। तो साड़ी गौरमेंट का यह वड्डा मुढ़ला फर्ज बनता है, इसे खेती जड़ी चंगी लाहेवंद धंधे वल ले जाण दे यतन होणगे। असी कोशिश करांगे कि सितंबर तक ही इहदा लोकां दे सामने लिया के जिवें कोई जोन बना के जिथे जिथे जमीन जिस तरह की फसल नूं मंडदी है उही जिहियां फसलां बजाईआं जाण, और उहदे लई सरकार जे कोई सहूलत देना च सकदी होवे तो उत्थे देवे। सारे पंजाब चों जदों खलारी जांदी उहदा कोई बहुता फायदा नहीं हुंदा। पंजाब वासियां नूं सरकार नूं भी चिंता है जी कि आउण वाला जिहड़ा समां असीं किते संकट विच ना पै जाईए, इसलिए झोने चों भी जिहड़ी फसल बासमती दी इस पासे नूं लोकां दा रुझान वधिया भी है, ते सरकार वल्लों भी इस पासे उन्हां नूं सारिआं नूं उत्साहित किया जाता कि आपां इधरले पासे आईए।